हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। यार, आज का बेका जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आसाम की एनर्जी आपके पार्टनर की, आसाम आपके पार्टनर का मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं आपको। तो आसाम व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, यानी उनका मूड कैसा है और वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। ये वीडियो सबके लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। सारे साइन के लोग देख सकते हैं। मैं आप देखना चाहती हूँ आज शाम आपके पार्टनर का मूड कैसा है और वो क्या संदेश देना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स, आसाम, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का मूड कैसा है और वो क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, वॉट ऑफ द डिक्स दे हैव द डेविल, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, आपका बदला हुआ व्यवहार, आपकी खामोशी, वो उनको जीने नहीं दे रही। मतलब कि इस वक्त ये पर्सन जो भी आज शाम में कहना चाहते हैं कि तुम्हारा परिवर्तन, मतलब आपकी खामोशी और कुछ आपके बदलाव उनको परेशान करें, लेकिन ऐसा नहीं है। परेशानी के साथ साथ आपके लिए इमोशंस, प्यार भी बढ़ रहे हैं। कुछ व्यर्स आप जानबूझकर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम करते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यर्स वर्क प्लेस पे हो आप दोनों, लेकिन कुछ आपके परिवर्तन उन्हें दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ व्यर्स आपके साथ अगर जस्टिस नहीं हो रहा है, अगर आप दोनों में अभी भी इस रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो आपके पार्टनर हर हाल में कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे प्रॉब्लम्स को समझना है। लेकिन तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारा नज़रअंदाज करना, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग चाह रहा हूँ। ये मेल और फीमेल दोनों ही हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हर हाल में आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जस्टिस की बात करें, अगर आप चाह रहे हो लाइफ में, रिलेशनशिप में उनके साथ आपका फ्यूचर हो और आप उनसे जस्टिस मांग रहे हो, अगर वो आपके साथ इस वक्त न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि लाइफ में सिचुएशन ऐसे हैं जहां मैं कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, और इस एनर्जी से मुझे कहीं ना कहीं निकलना है, बट यहां पे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और ज़रूरत क्या, बहुत ही ज़्यादा है। तुम्हें समझना होगा, तुम मेरी सबसे बड़ी विश हो, ठीक है। चीज़ें तुम भी छुपा रहे हो, चीज़ें मैं भी छुपा रहा हूँ, लेकिन शायद हम दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो कुछ व्यर्स आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, कि कुछ आपका एटीट्यूड, कुछ आपकी खामोशी और कुछ आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यहाँ परिवर्तन हो रहे हैं और ये चीज़ इनको ट्रिगर कर रहे हैं, जहाँ उन्हें लग रहा है कि आप अनदेखा कर रहे हो। और ये अनदेखा एनर्जी उन्हें लग रहा है कि ये प्यार करने वाला इंसान, फीमेल मेल दोनों ही हो सकते हैं, अब आप उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हो, बट फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ सकते हैं वो, क्योंकि आप जितने अपने आप को खामोश रख रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, प्यार इमोशंस बढ़ रहा है, लेकिन
इनके लाइफ में कुछ परेशानियां हैं जिस वजह से आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद अपने लाइफ में ये परेशान हैं, स्टक है, जहां वो आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आप क्या छुपा रहे हो, ये जानना चाहते हैं, ठीक है। ये वर्क प्लेस पर भी आपसे पूछताछ करें, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो सोशल मीडिया पर भी आपको कहीं ना कहीं ये फॉलो करें, स्टॉक करें और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर हाल में ये पर्सन आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि मैं क्या ही कहूँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ या कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी विश हो और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग के बीच में आपका बर्ताव, उनको लग रहा है कि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हो, लेकिन उनके लाइफ की सिचुएशन शायद वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं और शायद वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन आपका अनदेखा करना उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, शायद ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी है कि बार बार उनको ट्रिगर भी कर रहा है जो आपके खिलाफ कर रहा है। जैसे आपकी खामोशी, आपका नज़रअंदाज, खुद पर फोकस करना, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना, कुछ वर्ष यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ अपने काम, अपने करियर, अपने वर्क प्लेस पर फोकस कर रहे हो, कुछ आप इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर पावर है, लेकिन इस पर्सन को आप अंदर से फील कर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अंदरूनी रूप से आप फील कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी अंदर की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो, मैं जितना परेशान हूँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे इस तरह परेशान मत करो। तो कुछ आपके, देखिए कुछ आप अपने लिए भी परिवर्तन कर रहे हो, रिलेशनशिप के लिए परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन इनको ये खटक रहा है कि आप ऐसे क्यों हो गए हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ, आपका साधना, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और कुछ वर्ष आप में, देखिए हो सकता है आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, आपकी अच्छी खासी जॉब भी है, आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपके अंदर इनके लिए प्यार है, इस वजह से आप थोड़ा सा अकेले रह रहे हो, या हो सकता है कि आपके अंदर प्यार तो है लेकिन शो नहीं कर रहे हो आप। हाँ, आपकी खामोशी अगर है तो उनको लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे हो, आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो समझाने की भी कोशिश करें, लेकिन एक नज़र आप मुड़कर उन्हें देख लो कि उनका क्या हाल है, ठीक है। आपके पर्सन ये कहना चाहते, एक बार मुड़कर देख लो इनका क्या हाल है। तो इनके सिचुएशन को समझना है, अगर वो चीज़ें छुपा रहे हैं तो हो सकता है वो चीज़ें इस वक्त आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं शेयर कर रहे हैं, इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल है, लेकिन तुम क्यों बदल गए हो ये जानना चाहते हैं, तुम बेरुखी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो ये मुझे जानना है, मुझे इस रिश्ते में काम करना है और मुझे न्यू बिगिनिंग करना है। तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी चुप्पी, आपका एटीट्यूड, आपकी खामोशी, आपका बर्ताव सबसे ज़्यादा इनको ट्रिगर कर रहा है, और इस वजह से ये बंदा, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर स्मोकिंग करते थे या इन्होंने बढ़ा दी है या स्मोकिंग करना स्टार्ट किया है इन्होंने, क्योंकि अपनी एनर्जी को हील करने के लिए इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ना ही इन्हें कोई सपोर्ट कर रहा। हर हाल में ये जस्टिस चाहते हैं देना, लेकिन सिचुएशन के लिए शायद मेरा समय इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा। तो देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी ये कह रही है कि हर हाल में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जैसे मुझे तुम मिल गए, मतलब कहने का मतलब शायद आप में सब कुछ ये फील कर पाते हैं, लेकिन कुछ समय से आपका बदला हुआ व्यवहार, चुप्पी, खामोशी, एटीट्यूड, आपका परिवर्तन, सिर्फ काम पर फोकस करना, अपना लाइफ में फोकस करना, अपने करियर पर फोकस करना, अपने स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना, अपने नॉलेज पर फोकस करना, अपने मेडिटेशन पर फोकस करना, तो ये खामोशी और ये बर्ताव सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है आपके पार्टनर को, लेकिन कहने कि मेरे साथ ऐसा मत करना, ठीक है। वो आना चाह रहे हैं आपके तरफ, एक्शन लेना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग वो हर कोशिश कर रहे हैं आपको ऑफर करने की, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्हें लग रहा है कि आप बदले बदले से लग रहे हो, लेकिन ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है।
तो मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। इनका मैसेज तो ऐसा है कि भैया आप नज़रअंदाज कर रहे हो, ठीक है, खुश तो नहीं दिख रहे हैं, पुरानी यादों में काफ़ी रहते हैं आपके पार्टनर। देखिए फोर ऑफ सोर्ट्स है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर एक अंदर से एक कमी महसूस कर रहे हैं। यहाँ कुछ वर्ष आपको अपने अंदर वो कमी है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। कुछ वर्ष बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर सेपरेशन में है, जहाँ पुरानी यादों में है, पुराने वक्त को याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, शायद वो बैलेंस्ड कैसे आए। पुराने पैटर्न्स को रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट एक्शन देखिए, ये बिल्कुल आपके तरफ आना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ठीक है, आपको बेहद पसंद करते हैं और आपके रिस्पेक्ट करते हैं, बस आपके साथ इन्हें सक्सेस चाहिए। वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ व्यूअर्स आप भी ट्रैवल कर रहे हो, शायद यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपकी भी ट्रैवलिंग दिख रही है और सेलिब्रेशन होने वाला है बहुत जल्द। कुछ व्यूअर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ठीक है, आप उन्हें खूबसूरत दिख रहे हो और आपके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ व्यूअर्स ये पर्सन आपके तरफ बढ़ने की तैयारी पूरी तरह कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें हर हाल में मिलना है। और मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स आप भी ट्रैवल कर रहे हो या करने वाले हो, ठीक है। तो देखिए हर हाल में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है। इस बंदे को आप चाहिए, ये बंदे को हर हाल में आप चाहिए, वो वाली एनर्जी है। लेकिन तुम्हारी बेरुखी, नज़रअंदाज करना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ये मुझे तोड़ा। लेकिन ये केयरिंग नेचर जो आपने केयर किया है, आपने इनको जितना केयर किया है, जितना इन्हें आपने रिस्पेक्ट किया है, वो फिर से वही रिस्पेक्ट, वही प्यार और आपको अपना बनाना चाहते हैं। लेकिन शायद आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, आपके पर्सन ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको बेहद प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हर हाल में आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है जी आज शाम की एनर्जी, आपके पार्टनर की, उनका मूड और उनका संदेश आपके लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।